हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंडियन किचन रेसिपी और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इंस्टेंटली काजू को रोस्ट कैसे किया जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि काजू को इंस्टेंटली कैसे माइक्रोवेव में रोस्ट किया जाता है। वेरी इजी और वेरी क्विक रेसिपी है ये। हम आपको बताएंगे कि आपको इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ फ्रेश काजूस, एक पेपर चाहिए, प्लेन पेपर चाहिए जो मीडियम साइज़ का हो, एक कंटेनर चाहिए जिसमें थोड़ा एक लिड भी लग। पहले हम एक कंटेनर लेंगे, इसमें जो हमने पेपर दिखाया था वो हम पेपर इसमें ऐसे रख देंगे ताकि ये ऐसे कवर हो जाए। आपको दिख रहा है? ऐसे ऐसे रख देंगे। उसके बाद हम एक काजू लेंगे और हम ये सारा काजू इसमें डाल देंगे। अब हम इस कंटेनर को माइक्रोवेव में रखेंगे और काजू को रोस्ट करेंगे। काजू को इस तरह माइक्रोवेव में रखिए, ढक्कन को बंद नहीं करना है हमको, हमको स्लाइटली ऐसे ओपन रखना है ताकि काजू बाहर उचके नहीं, ठीक। और उसके बाद हम माइक्रोवेव को बंद कर देंगे और माइक्रोवेव को 2 मिनट में रख देंगे। इसको थोड़ा ठंडा कर देंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। ये ठंडा होने के बाद अच्छे से क्रिस्प हो। अब आप देख सकते हैं ये काजू ठंडा हो चुका है और ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कैसे टूट रहा है और ये अच्छा क्रिस्प है। आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और आप इसको रोस्ट करके भी खा सकते हैं घी में। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम घी में इसको कैसे रोस्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन को गर्म कर लेंगे, एक पैन रख देंगे और इसको गर्म कर लेंगे। घी डाल देंगे, अभी घी मेल्ट हो चुका है, हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। और ये जो हमारे रोस्टेड काजूज है हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बस हल्के से सॉटे कर लीजिएगा। अभी काजू अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं घी और सॉल्ट में, हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको सर्व कर देंगे। रोस्टेड काजूज रेडी है। आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे रखिए और इसको खाते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो और रेसिपीज पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और नीचे दिए गए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो अपडेट्स को बिल्कुल ना मिस कर पाए।